चार साल बाद उसके दिन 13 हो जाते हैं, वो बैलेंस उसका करने के लिए, सेट करने के लिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कहा सूरह तौबा में कि हमारे तो 12 महीने हैं, 12 ही चलते हैं, इसी में हमने सारी दुनिया को बनाया है और इसी में बनाएंगे। ये वीक ऑफ डे, वीक डे इनको अगर आप गौर करेंगे तो ये डाइटिस के नाम है सारे। संडे एतवार, एत किसको कहते हैं, सूरज को, वार सूरज की पूजा का दिन, सोमवार, सोमवार है चांद, मून मून डे, ये सारे उनके हमारे जो है योम राहत, योम इतने योम तलाका। अच्छा, ये जब तक कोई सिस्टम एक्टिवेशन नहीं होगा, आज आपके लिए जो लोग इंटरनेशनली घूमते हैं आपने से उनको पता होगा, अगर आप देखें, आपने देखा अमेरिका गैलन चेंज नहीं कर रहा है, ये पता ना आपको? वो गैलन चेंज नहीं कर रहा और बर्तानिया मील चेंज नहीं कर रहा, उनका सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता। आज तक वो जोर लगा चुके हैं कि सिस्टम को आपस में इंटरडिपेंडेंट जो उनके सिस्टम का है उसको वो बैलेंस करने, बैलेंस नहीं हो रहा। और हम बगैर सोचे समझे दिनों के नाम लेते हैं, अल्लाह अकबर, आज क्या कर, आज ये त्योहार है, उधर बेड़ा ताज है, इधर तू अल्लाह अकबर कह रहा है, उधर तू कह रहा है आज सूरज की पूजा का दिन है। हमारा जो सिस्टम है ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, इरिटेशन, इरिटेशन में क्या होगा, जो हम कर रहे सड़क पे धार जगह। अच्छा, ये हकूकुल्लाह, इस्लाम बड़ा मजेदार मजहब है, हकूकुल्लाह आपके 5% है, अल्लाह का सिर्फ 5% आपकी जिंदगी में तलक है, 5% अभी नमाजों का पूरा टाइम कैलकुलेट कर लें वो 5% से भी कम बनता है। हकूकुल्लाह क्या है, नमाज रोजा कलमा पढ़ना है आपने, नमाज पढ़नी है, रोजा हज और जकात, जकात जो है क्यों, अपने फैलो साथी के लिए। अच्छा, इस्लाम की बुनियाद है वेलफेयर पे, इस्लाम का नाम क्या है, इस्लाम, इस्लाम किसको कहते हैं, पीस, अस्सलामु अलैकुम, आप पे अल्लाह की सलामती हो, यानी इतना प्यारा बंदा है कि सुबह उठ के आपको कहे अस्सलामु अलैकुम, तेरे पे अल्लाह की सलामती हो। अच्छा, अब अगले नीचे पकड़, अच्छा हकूकुल आबाद, ये यहाँ पे मसला है, यहाँ पे हकूक है उसके साथ फराइज हैं, हम कहते हैं जी हकूक हमें दे दे, फराइज की बात नहीं करते, पहले आपने फराइज अदा करने, जब आप फराइज अदा करेंगे तो काम करेंगे, काम करेंगे पैदावार होगी, पैदावार होगी जरूरत पूरी करेंगे, जरूरत कैसे पूरी करेंगे, हकूक को मद्देनजर रखते हुए, हकूक जो है वो कब मांगेंगे, फराइज को, ये पूरा सर्कल चलेगा, हकूक आप कैसे मांगेंगे, जब आपने फराइज पूरे किए हैं, आप दुबे ही जाओ किसी बिल्डिंग की कोई बात, पहले बिल पे किया आपने, पहले वो लाओ उसके बाद आपकी बात सुनेगा, किसी दफ्तर में चले जाओ, अच्छा फी पे किया तुमने, पहले कागज लाओ, पहले फर्ज पूरा करो फिर उसके बाद हकूक मांगो। नेक्स्ट मिनट आ रही है, अब ये कॉमर्स है, तजारत है, जिसका समाधान ढूंढना पड़ा हुआ है, लोग सारे में पॉलीथिज्म है, मोनोथिज्म। अच्छा, जो पॉलीथिज्म है उसमें क्रेडिट है, क्रेडिट किस लिए होता है, गुलाम बनाने के लिए। पहले वो क्या करते थे, बूढ़े आदमी को कर्जा देता रहता था बंदा, तो जब वो वापस नहीं कर सकता था उसकी बेटी या बेटा ले लेता था उसे, वो बेचारा बूढ़ा मरने लगता था, उसको कहते पैसे दो, पैसे है नहीं, अच्छा आप क्या दो, या बेटी दे दो या बेटा दे दो, वो बेचारा ये बेटी देता था ये बेटा देता था, वो बेटा आगे गुलाम में वक्त गुजारता था, बाप ने पैसे दिए होते थे, वो कई बच्चा पैदा होते बेच देते थे क्रेडिट। अब थोड़ा सा हमारी गुलामी डिफरेंट है, अब हम IMF से पैसे लेते हैं, हम पैसे दे नहीं सकते, वो कहते अच्छा ठीक है पैसे तो आप नहीं दे सकते, अच्छा ये जो है ना गैस के रेट थोड़ा बढ़ाओ, इधर से ये पैसे हमें दे दो, हमारी तीन चीजें दे, नतीजा क्या निकला, पहले वो सिर्फ बेटा बेटी होती थी, अब हम कौम दे के बैठे हुए, पूरी कौम गिरवी रखी हुई है। अच्छा, इस्लाम में क्या है, वो मानता ही क्रेडिट को, वो कहता सेविंग, क्रेडिट की बात ही नहीं मानता वो, कहता काम करो, वो
और अपनी औकात में रहो, औकात से निकलो। आगे ये है, ये डिमांड एंड सप्लाई है, वो कंजम्पशन बेस्ड ऑन प्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन उतनी कर सकते हो जितनी कंजम्पशन है। अयूब खान ने की थी, आपको बोला गोल्ड एरा में चला गया था, फैक्ट्री लगाना मुश्किल थी, लगने के बाद बेचना मुश्किल नहीं थी क्योंकि फैक्ट्री की इजाजत ही इतनी मिलती थी जितनी कंजम्पशन है। अब क्या है, अब आजादी है, जन्म में जाओ सारे। वो भी रो रहा है, पैदा करने वाला भी, बेचने वाला भी, खरीदने वाला, तीनों रो रहे हैं। इस्लाम के उसूल क्या है? अच्छा, इसमें फंडरेजिंग बाई इंटरेस्ट बेस्ड लोन, पूरे गरीबों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। आप तनख्वाह लेते हैं, बैंक में पैसे जमा कराते हैं, आप जाके कहते हैं कर्जा दो, आप पैसे लेके जाते हैं, मोहर लगा के कागज करा देते हैं, आप कहते हैं मुझे कर्जा दो, कहते हैं घर के कागज लाओ, फलां लाओ, फलां लाओ, सारे गरीबों से पैसे इकट्ठे करके एक अमीर को दे दिए जाते हैं। अमीर को कैसे देते हैं, वो 20 रुपए लगता है, 80% उसे लोन दे दिया जाता है।